केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। नरसिम राजा क्षेत्र में रहने वाले युवा लीडर जेडीएस के युवा लीडर शाहबाज खान को जो है आज एक जेडीएस की ओर से अपने खंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी का बोझ रखा गया है। यहाँ पे आज हम लोग श्रीरंगपट्टनम के गुंबज में टीपू सुल्तान की दरगाह में उपस्थित हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। जेडीएस के अल्पसंख्यक के तमाम लीडर्स भी यहाँ पे उपस्थित हैं। शाहबाज खान को कर्नाटका राज्य के अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष को जो है उनको नियमित किया गया है। ये लोग हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, आइए अब हम उनसे बात करेंगे। आपको जो है कर्नाटका स्टेट के एक माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से जो है आपको कुमार स्वामी जी जिन्हें जो है आपको नॉमिनेट किया गया है, तो आप यहाँ पे दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आप तमाम जेडीएस के माइनॉरिटी लीडर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। आज आपको ये जिम्मेदारी जो है आपके कंधों पर रखी गई है। आने वाले दिनों में क्षेत्र में बहुत भारी हलचल होगी इलेक्शन को लेकर, इस मौके पर आप इस जिम्मेदारी को लेकर क्या कहना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चादर डाल के बस्ती के सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला से एक काम शुरू कर रहा हूँ। आज जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि के दरगाह में फर्स्ट चादर चढ़ा के फर्स्ट मैं दुआ लेके आज से काम शुरू करने जा रहा हूँ। और मेरे कंधों पे जो है पूरा स्टेट का बहुत बड़ा जिम्मेदारी देके है। और मैं सबसे शुक्रिया अदा करूँगा, कुमार स्वामी साहब को शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट शमशुल हक का शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे ऊपर यूथ माइनॉरिटी में एक यूथ को इतना बड़ा चांस देके बहुत बड़ी मेहरबानी की है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ख़राब हालात देख के ना जाने क्या क्या बात कर रहे हैं हमारे शहीद के बारे में। ये सब आने वाले दिनों में देखते हुए सारे मुसलमान एक होके जेडीएस सेक्युलर पार्टी को पावर में लाना बोल को ये हमारी सबकी दुआ। एक छोटी एग्जांपल दे तू मैं, आज जो मसले हो रहे हैं जो ये वॉरियर एक्सप्रेस के बारे में जो लेके, पहले जो था 35 साल से कोई ट्रेन का नाम जो है आज तक बदलने का नामो निशान नहीं था। आज तुम्हें इतना हिसाब डाल लियो कि जितना हमारे ऊपर जुल्म होने वाला है, जितना हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं ये लोग, ये सब देखते हुए कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ सकती सिवा जेडीएस के। कहाँ गए कांग्रेस वाले, कहाँ गए जो दूसरे सेक्युलर पार्टीज वाले, ये कोई पार्टी किसी को साथ नहीं देने वाला सिवा जेडीएस के। मेरे सारे भाइयों से, सारे मुसलमान भाइयों से जो माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से बात कर रहा हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट, सारों से यही दुआ है कि पूरे एक हमारे मुसलमान एक होको कुमार स्वामी साहब को सीएम बनाने के लिए पूरी पार्टी 100% मेजॉरिटी लाने के लिए मेरी ये दुआ है सर। क्या आने वाले दिनों में अगर आपकी हुकूमत आएगी तो जो जनता आज जिन चीजों का सामना कर रही है, जैसे कि महंगाई हो या जो है कम्युनल दूसरी तरह के भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो पूरी तरह से जनता खुश रह पाएगी क्या सर? 100%। उसीलिए तो हम लोग इतनी कोशिश कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मुसलमान है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मुसलमान है। कौन सी पार्टी में स्टेट प्रेसिडेंट मुसलमान देखे आज तक बोलो? कांग्रेस वाले देखे हैं, कांग्रेस वाले बात करते हैं, इतने उतने बड़े बात करते हैं, क्या देखे हैं उन्होंने? एक मुसलमान को एक खाली उन्होंने वोट बैंक के वास्ते यूज कर सकती, कोई दूसरी चीज के वास्ते उन्होंने जब ऐसे मसले आती कहाँ गए इन्हों? जेडीएस क्यों सर मैसूर पर इतना मेहरबान है? क्योंकि हम लोग हड़े मैसूर से ही जीते, क्योंकि पहली बार जो है जब एक महिला को मेयर बनाया गया, मुस्लिम महिला को मेयर बनाया गया, फिर जो है स्टेट के सेक्रेटरी भी यहाँ से हैं, एक स्टेट के जो माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ से हैं, इतनी मेहरबानियाँ क्यों सर? मेहरबानियाँ का मतलब जो काम देख कर रहा है, जो काम देख के इंसान को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा अब्दुल्ला भाई हो, इन्हों सब हार्ड वर्कर्स हैं। क्योंकि मैं भी तमाम 17 साल से पूरा स्टेट गली गली घूम रहा हूँ, आज तक मेरे को
17 साल लग गए ये पार्टी में पोस्ट लेते लेते, इतनी मेहनत करके आगे आया हूँ मैं। जो आज जो है ये मसला, ये कुछ भी नहीं है, आने वाले दिनों में मुसलमानों को बहुत अच्छा होने वाला है जब सीएम कुमार स्वामी साहब होंगे। क्या कर्नाटक में सिर्फ मैसूर में ही पूरे जेडीएस की, जेडीएस को लेकर सबसे भारी चर्चा यहीं पे है क्या? दूसरे स्टेट, दूसरे सिटीज, डिस्ट्रिक्ट में भी है क्या सर? हर जगह है, हर जगह है। हमारा जो है 1-2-3 मशीन बोल के है, इंशाल्लाह 100% मेजोरिटी हमें आती। आखिरी सवाल सर, सर एनआर क्षेत्र को लेकर आपका क्या ख्याल है सर? देखो एनआर क्षेत्र में जो है सबको आकर आइए, सबको एमएलए टिकट के लिए सबको फाइट है। सब बोल रहे हैं वो मैं भी लेता हूँ, तू भी लेता हूँ, वो हाईकमांड तय करने वाली। जो अब हाईकमांड के सिवा अब हमारी हाईकमांड है, हमारी हाईकमांड 150 किलोमीटर में हमारी हाईकमांड पूरा बैठ को तय करने वाली। लोग बोलने वाले हैं मेरे को भी टिकट हो रही है, तेरे को भी टिकट हो रही है, उनको हाईकमांड जो ये करती है सेलेक्ट करती है, उन लोग आके ये हो सकती है। क्योंकि इस बार के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी भी जो है अब एक नया हिसाब आया है, बोल्ड आउट हो सब, वो सब आदमियां वो चुपके ये कर रही है, वो आम आदमी पार्टी है वो सब ये नहीं, वो सब बोल्ड आउट हो। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। नहीं बस बस यस बस और क्या है मैं दोस्त कुमार भाई हाल रुको हाल तो अम्मा क्या है।